मॉर्निंग वॉक को निकली महिला का शव जंगल में मिला। मामला सुल्तानपुर जिले के बलदीराय थाना क्षेत्र के केवटअली गांव में राम निवाज पाल पुत्र राम केवल पाल के घर, अयोध्या जिले के सुहावल थाना क्षेत्र के अर्थर गांव की रहने वाली द्रौपदी पत्नी शिवनाथ पाल उम्र लगभग 50 वर्ष के घर आई हुई थी। शनिवार सुबह वे घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली, लेकिन काफी समय तक घर नहीं लौटी। घर वालों ने खोजबीन शुरू की। गांव से कुछ दूर पर जंगल में उसका शव पड़ा दिखाई दिया। मृतक के मुंह से खून निकल रहा था। शरीर में कई जगह पर चोट के निशान मिले। मृतका की बहन के माने तो द्रौपदी पाल के कान व गले के जेवरात भी गायब है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद एसपी समेत तमाम भारी संख्या में पुलिस कर्मी घटना स्थल पर पहुंच गए। मौत के कारणों की जानकारी के लिए डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम व फील्ड यूनिट को भी बुलाकर जांच पड़ताल कराई जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। और मामले की पड़ताल की जा रही है। इस बाबत एसपी श्रीहरि मीणा ने बताया कि मृतका के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है। शव के लगभग 6 घंटे धूप में पड़े होने के कारण मृतका के शरीर पर रिगर मॉर्टिस के निशान पाए गए हैं। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सही कारणों का पता लग पाएगा। थाना बलदीराय क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी मिली है। फॉरेंसिक टीम और हमारे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है। उसमें कोई जाहिरा चोट अभी नज़र नहीं आ रही है। अभी जो भी चीज है, मृत्यु का कारण है, वो पीएम रिपोर्ट के आधार पर क्लियर होगा। सुबह ही ये घर से निकली थी मॉर्निंग वॉक के लिए, तो साबित जितने भी तथ्य हैं उनको पुलिस जांच रही है। उसके आधार पर जो विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जाए।